राजा भाई, तबीयत का क्या सीन है यार? प्रतीक भाई, तबीयत की अगर मैं बात करूं तो आज बात बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं आज मैं बाहर खड़ा हूं ओपनली। अभी हम अपने घर से आए हैं शुभ के घर में, तो आज बहुत लंबी बात होने वाली है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ नीचे बैठ जाओ, क्योंकि आज जितना गुस्सा हंगेरियन जो फैसिलिटीज हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने मुझे दिला दिया है, तो मैंने सोचा कि आज सारा कच्चा छट्ठा हंगरी का खोल दिया जाए। तो गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी जॉय हब बाय इब्राड। वी आर बैक विद अनदर वीडियो, एक ऐसी वीडियो जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं द डार्क साइड ऑफ हंगरी, द डार्क साइड ऑफ बुडापेस्ट। और जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि हर बंदा दुबई जाना चाहता है, दुबई की बड़ी बड़ी इमारतें, लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करता है, लेकिन कोई भी जो दुबई के जो डार्क साइड है उसकी बात नहीं करता। अगर आप YouTube पे सर्च करो, बड़े कम व्लॉगर्स होंगे जिन्होंने वो डार्क साइड कैप्चर की होगी। तो मैं भी ये वीडियो एक्चुअली कैप्चर करना नहीं चाहता था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ख्याल नहीं था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों ने मुझे इतना तंग कर दिया, इतना फ्रस्ट्रेशन मुझे दिला दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार, मेरे अपने पंजाबी लोग जब मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो उनको रियलिटी भी दिखाई जाए, ताकि कल को अगर वो हंगरी आने का सोच रहे हैं उनको इस सारी चीज़ों का पता हो जो अभी मैं पूरे व्लॉग में बात करने जा रहा हूँ। तो बाकी आपको पता ही है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो जी, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के व्लॉग में हम मेनली 4 से 5 टॉपिक जो है कवर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है कि यहाँ की जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, वो कैसा है। एक हंगरी में जो बंदा रह रहा है उसकी ज़ुबान से आज आप हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सुनेंगे। नंबर 2 पे आता है कि यहाँ पे जो अकोमोडेशन है, अगर आपने बुडापेस्ट में स्पेशली कोई जगह रेंट करनी हो, कोई अपार्टमेंट, घर या फ्लैट लेना हो, तो उसकी हालत हम बताएंगे कि अपार्टमेंट कैसे एग्जिस्ट करते हैं और लोग कितने मजबूर हैं। ये हंगेरियन लोगों को मजबूर कर देते हैं वो गंदे से फ्लैट लेने के लिए और विद एक्स्ट्रा प्राइस। हम हर एक चीज़ आपको बताएंगे। नंबर 3 पे आता है जी टीचर्स की सर्विसेज। जो बंदा टीचर प्रोफेशन से बिलोंग करता है उसको सैलरी कितनी मिलती है, उसका रवैया क्या है। और नंबर 4 पे आता है पुलिस की सर्विसेज। अगर किसी बंदे के साथ कुछ मिसहैप हो जाता है, अगर आपको हंगेरी नहीं आती, तो पुलिस उस बंदे के लिए कितना सीरियस है, उसके प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करती है। व्लॉग को पूरा देख लेना, वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज जो बातें निकलेंगी राजा भाई के दिल से वो फुल ऑफ अग्रेसिवनेस, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन होने वाली, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं बाहर बैठा हूँ और अभी ऑलमोस्ट 7 से 8 बज रहे हैं, लेकिन मैंने अपने बॉय को बोला प्रतीक भाई को कि नहीं, जितना इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है मैं दुनिया को दिखाऊंगा। अगर मैं बुडापेस्ट हंगरी की अच्छी चीज़ें बताता हूँ तो आज मैं उनको बुरी चीज़ें भी दिखाऊंगा, बुरी चीज़ें भी बताऊंगा, कल को अगर वो हंगरी में आते हैं तो उनको पता हो। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं अपने पहले स्टेप से, जो था हेल्थ केयर सिस्टम, मेडिकल सिस्टम। तो थोड़ा सा मैं इसको जो है अपनी स्टोरी से जो है ले कर चलता हूँ। ये था कि पिछले 2-3 हफ्ते से मैं और मेरे कुछ दोस्त एक्चुअली बीमार थे। बीमार आज मुझे रीज़न पता चली है, मेनली कि आपको पता है कि अभी पोलन हवा में है, तो ये जब आप स्निफ कर लेते हो या किसी तरह से आपके नाक के थ्रू आपके अंदर चला जाता है या मुंह के थ्रू चला जाता है, तो आपको, कई लोगों को एलर्जी होती है, मुझे भी एलर्जी है, मेरे दोस्तों को भी एलर्जी है। तो हम कितने अरसे से इससे सफ़र कर रहे हैं। तो मैं जब अपने यहाँ के 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक होता है पब्लिक जिसको GP कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, और दूसरा होता है प्राइवेट डॉक्टर। तो अगर मैं GP की बात करूँ तो GP उन लोगों को, एक्चुअली सारे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इनके लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए पे करते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो ऐसे कुछ सीन था, जब मैं बीमार हुआ मेरा नोज़ पूरा ब्लॉक था, फ्लू था, फीवर था, कफ थी, मैं अपने GP के पास गया, मैंने GP को दिखाया कि यार ये इशू हैं, तो काइंडली आप मुझे ना प्रेस्क्राइब कर दो कि क्या क्या मेडिसिन मुझे चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको हंगेरी नहीं आती तो आपका हंगरी में सर्वाइव करना ऐसे ही है कि जैसे आप मार्स पे रह रहे हो, वहाँ पे पानी नहीं है, खुराक नहीं है, रोटी नहीं है, अगर बात करने के लिए कोई है तो है, वरना
अगर आपको एलियंस की लैंग्वेज आती है तो ऐसे ही है। हंगेरियन लैंग्वेज हमें इतनी नहीं आती, तो जब मैं डॉक्टर के पास जो है पहुंचा, मैंने उनको अपनी सारी चीज़ें बताई, तो वो कहता कि अगर आपको हंगेरियन नहीं आती ना, तो नेक्स्ट टाइम आपने हंगेरियन लैंग्वेज सीख के आनी है। अब बंदा बोले कि यार एक बंदा ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहा है, फ्लू है, बुखार है, फीवर है, कफ है, ऑलरेडी जो है इतना परेशानी से गो थ्रू हो रहा है, और तुम कह रहे कि पहले हंगेरियन सीख क्या। हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, हम लोग अगर खुदा के बाद किसी को गॉड मानते हैं तो वो डॉक्टर होता है। हमारी लैंग्वेज में बात करूँ तो हम डॉक्टर को कहते हैं 50% ऑफ द गॉड। जब भी अगर आप पाकिस्तान में चले जाओ, बेशक आपको पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं आती, आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, आप बलोची यूज़ कर रहे हो, कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, हमारे डॉक्टर्स को नहीं आती, वो फिर भी आपको ऐसा ट्रीट करेंगे कि आप हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी गॉन। आप उनसे बात करोगे क्योंकि वो इतनी स्वीटनेस से बात करते हैं, इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप आधा उधर ही रिकवर हो जाओगे। और दूसरी बात बताता चलूं कि जब मैं जीपी के पास गया, उसने मुझे मेडिसिन दी। पहले एक हफ्ते की मैंने मेडिसिन ली, खाई, भाई मैंने पूरे हफ्ता मेडिसिन पेलता रहा, खाता रहा, जीरो फर्क पड़ा। तो मैं फिर जीपी के पास पहुंच गया। जब मैं जीपी के पास गया तो उसने मुझे फिर बोला कि चलो जी अब मेडिसिन दूसरी ट्राई करते हैं। तो मैंने उससे पूछा, भाई जान क्या कर रहे हो आप, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि एम आई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट फॉर यू, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एक ह्यूमन लाइफ, एक इंसान की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है क्या। तो ये सीन हुआ कि उसने मुझे बोला कि चलो मेडिसिन चेंज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ के डॉक्टर्स क्वालिफाइड नहीं है, हाँ वो क्वालिफाइड हैं, बट द प्रॉब्लम इज के यार आप लोग मुझे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो क्या, मुझे ये इशू है। तो उसने दूसरे हफ्ते की मुझे दवाई दी, मैंने फिर वो मेडिसिन यहाँ पे ली। आपको पता है यूरोप में हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है, मैंने ले ली। मैंने एक हफ्ता जो दूसरी बार उसने मुझे दवाई दी, मैंने फिर ट्राई की, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं फिर दोबारा जीपी के पास गया, जो पब्लिक डॉक्टर है उसके पास गया, तो मैंने उसको बताया कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब दूसरी बार दवाई से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ऐसे तो मुझे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पिछले दो ढाई हफ्ते से मैं सफ़र करूँ, आप मुझे बताएं कि सोल्यूशन क्या है। तो उसने मुझे बोला कि आपको मैं माउथ स्पेशलिस्ट के पास भेजता हूँ, क्योंकि आपके जो माउथ का इंटरनल हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से में रेड रैशेस पड़े हैं, वो थोड़ा सूजा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको माउथ स्पेशलिस्ट के पास भेजता हूँ, आप वहाँ चले जाएं। ये पूरी कहानी मैं आपको किस लिए बता दूँ, ताकि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ का मेडिकल सिस्टम कैसा है। आप मेरे से जुड़ो, आप ये मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो फीलिंग्स है, उसको अंडरस्टैंड करोगे। अगर आप हंगरी आना चाहते हो, अगर आप इन फीलिंग्स को सुनोगे, इनसे जुड़ोगे, फिर आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा, इधर हंगरी और सम अदर कंट्री एज वेल। तो मैं जब उसने मुझे माउथ स्पेशलिस्ट के पास भेजा, मैं गया, और मैं जब वहाँ पे 8:30 इन द मॉर्निंग पहुँचा, तो मैंने जो है डॉक्टर से मिला, तो वो कहते कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट का डॉक्टर है वो आज वेकेशन पे गए हैं, तो काइंडली आप ऐसा करो कि आप दोपहर को आ जाओ, दोपहर को जो आपका डॉक्टर है वो छुट्टी पे गया है, तो उसकी रिप्लेसमेंट जो है आपको चेक करेगी, आपका पूरा मुआयना करेगी, चेकअप करेगी, फिर आपको बताएगी कि इशू क्या है। तो मैं जो है गिड़गिड़ाते रोते हुए अपने घर पहुंच गया, क्योंकि पेन थी, कुछ खाया नहीं जा रहा, फ्लू, नोज़ ब्लॉक है, मुंह में टॉन्सल्स की वजह से मैं जो है सांस नहीं ले पा रहा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात करूं। तो ऐसी मैं जो है बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, तो उसने मुझे बोला 2 बजे के बाद आप चक्कर लगाना। मैं भाईजान 2:30 बजे जो है दोबारा हॉस्पिटल में पहुँच गया। उस हॉस्पिटल का नाम मैं नीचे मैंशन कर दूँगा कि अगर आप उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपको पता हो उसकी रियलिटी क्या है। तो जब मैं 2:30 बजे के बाद पहुंचा, मैंने जो है एक होता है कंपाउंडर, एक होता है डॉक्टर, मैंने कंपाउंडर से जाके पूछा कि जो डॉक्टर जिसने मुझे चेक करना है वो आया है या नहीं। अब मैं, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मतलब वो आंसू नहीं थे, बेसिकली वो पानी निकल रहा था, मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से, डिजीज़ की वजह से। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर आ रहा है या नहीं। उसने बोला कि डॉक्टर इज़ ऑन द वे, आपको वेट करना पड़ेगा। भाई 2:30 बजे से मैं 3 हो गए 3:30 हो गए, 1 घंटा हो गया। मैंने फिर जाके कंपाउंडर से बात की, मैंने कहा कि मैडम डॉक्टर आ रहा है या नहीं। उसने मुझे बोला कि डॉक्टर आ रहा है, आप बैठो। भाई 4 हो गए 4:30 हो गए, जब मैंने अपना जो सब्र है वो खो दिया। तो आपको पता है हम लोग पंजाबी हैं, देसी हैं, हमारा आवाज़ उठाना हमारे खून में है, हमारे हक में है। तो मैंने जब देखा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एंड दे आर ट्रीटिंग अस लाइक शिट, हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है क्या। तो मैंने उसको बोला कि डॉक्टर नहीं आ रहा क्या। फिर उसने मुझे बोला कि सॉरी मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती,
आपको हंगेरियन आती है तो आप हंगेरियन में मुझसे बात करो। मैंने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया, मैक्सिमम बात की जितनी हो सकी, बट एक पॉइंट पे मैंने जो है सब्र का पैमाना खो दिया। मैंने कैमरा निकाला और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। हॉस्पिटल में हजारों बंदे बैठे थे तो मैंने कहा आई डोंट गिव अ, और मैंने कैमरा निकाला और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि ये है इंसानी लाइफ की वैल्यू, ये है वो लोग। अगर आपको हंगेरियन नहीं आती, आप किसी और कंट्री में आकर रह रहे हो, बस रहे हो, आप इनको इतना शिट लोड ऑफ टैक्स पे कर रहे हो एंड ये लोग आपको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, आप खुद सोचो। तो बड़ी बड़े किस्से हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक बार मेरे दोस्त को, लड़की जो डॉक्टर है, वो कह रही है कि पहले जाओ हंगेरियन सीख के आओ, फिर आके जो है मुझसे ट्रीटमेंट लेना। मतलब यहाँ पे भी रेसिस्ट लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑल इन ऑल जब मैंने अपना सब्र खो दिया तो मैंने अपना जो हॉस्पिटल का जो पेपर था रजिस्ट्रेशन का, तो मैंने कहा मैंने यहाँ से चेकअप नहीं कराना। मैंने वो डॉक्टर के सामने फाड़ा, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं चाहिए आपसे ट्रीटमेंट, मैं जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि इनफ इज इनफ। क्योंकि ये डॉक्टर हमारे लिए खुदा समान है, डॉक्टर हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप लोग इंसानी वैल्यू को ट्रीट करना नहीं जानते तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे डॉक्टर्स पे, ऐसी डिग्रीज पे, ऐसे मुल्क पे। तो मैंने उनको बोल दिया कि अगर हंगरी का सिस्टम ऐसा है तो मुझे हंगरी में नहीं रहना। बात बताता चलूँ कि उस डॉक्टर ने मुझे आगे से रिस्पॉन्स किया एक टांट मार के कि हंगरी का सिस्टम ऐसा है, नो वन गिव अ शिट, तू जितना मर्जी बात कर ले, जितना मर्जी बोल ले, ये शुरू से ऐसा है और एंड तक ऐसे ही देगा, तो जो है आपकी बातों से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने उसको बताया बींगा पंजाबी बींगा देसी गाय, मैंने उसको बोला कभी ना कभी तो किसी को शुरुआत करनी पड़ती है, आवाज़ उठानी पड़ती है। तो मैं वो फर्स्ट लड़का हैप्पीली आवाज़ उठाऊंगा, बात करूंगा एक अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे जो हंगरी आने का सोच रहे हैं कि गाइज अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो कल को आपके साथ और आपके बच्चों के साथ हो सकता है। तो आप लोग सोच समझ के आना कि यहाँ के लोग, अगर आपको हंगेरी नहीं आती, दे डोंट गिव अ वैल्यू, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू फॉर श्योर। तो मैंने उसको बोला कि मैं वीडियो पर डालूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक देसी बंदे से आपका पाला पड़े, या तो ये सिस्टम चेंज होगा, अगर सिस्टम नहीं चेंज होता तो फिर जो है हमें ये कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में सेटल होना जो है उसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैंने हमेशा हंगरी की तारीफ किया, बुडापेस्ट की तारीफ किया, मेरी हज़ारों वीडियोज़ उठा के देख लो, अगर एक लफ्ज़ भी मैंने हंगरी के खिलाफ बोला हो, अगेंस्ट बोला हो, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना तंग कर दिया, इतना फ्रस्ट्रेशन मेरे में बढ़ दी, मैं आज बाहर बैठ के अपने बॉय के साथ बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी इस हंगरी की मेरे थ्रू रियलिटी सुने, डार्क लाइफ जो है डार्क साइड देखें, और कल को आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। नो द डिसीजन इज इन योर हैंड्स। अगर आपकी फैमिली या आपके बच्चे हैं और आपको ये रियलिटी एक्सेप्टेबल है, देन द सीन इज योर्स। हंगरी आओ, यूरोप में जाओ, जहां मर्जी जाओ, वो आपके हाथ में है। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज का मुझे इतना पता नहीं है उनका हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, लेकिन मैं आपको ऑल इन ऑल ये बता दूं कि हंगरी का हेल्थ केयर सिस्टम इज, यहाँ पे नो वन गिव अ शिट। अगर आप मर रहे हो, आप अगर जो है कांप रहे हो, आप जो है आपका सांस आ रहा है नहीं आ रहा, अगर आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास नहीं जाते तो दे विल नॉट केयर अबाउट यू। तो गाइज उम्मीद है कि आपको मेरी फीलिंग से पता चल गया होगा। अभी चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जिसका मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये टॉपिक भी आज कल जो है बड़ा पीक पे है। तो मैंने आपको बोला कि जो लोग हंगरी आ रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड टॉपिक है अकोमोडेशन। मैं फॉर गॉड से खुदा की कसम उन लोगों पे लानत भेजता हूँ जो लोग बुडापेस्ट में, हंगरी के कैपिटल जो बुडापेस्ट में, रहने के लिए किसी भी झोंपड़ी में, किसी भी लो लेवल हाउस में सेटल होने के लिए रेडी हो जाते हो। यार तुम लोग, स्पेशली मैं देसी बंधु से बात करूँ कि यार तुम लोग इतने नीच हो गए हो, इतने लो लेवल पे आ गए कि आप लोग एक झोंपड़ी वाले घर में जाके जो है ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो और उस घर में रहने के लिए रेडी हो जाते हो। मैं लिटरली बता दूं कि आजकल बुडापेस्ट में जितने भी हंगेरियन लोगों के घर हैं, इन लोगों ने अपने घर को ऐसा बना दिया है कि एक ही जगह में यहाँ पे बेडरूम है, उसी बेडरूम के साथ बाथरूम है, बाथरूम के अंदर किचन है, सारी चीज़ें एक ही जगह में हैं। तो मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूँ कि यार हम लोग पाकिस्तान इंडिया में किचन को एक किस्म का हमारा वो जैसे मंदिर या मस्जिद होता है ना, हम वैसा ट्रीट करते हैं कि किचन हमारे लिए वो है, हम वहाँ पर खाना बनाते हैं, वो खाना खाते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, हमारे में एनर्जी आती है, पावर आती है। इमेजिन करो, मैंने खुद बुडापेस्ट में ऐसे घर देखे हैं कि यहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम के साथ बाथरूम है, बाथरूम के अंदर ही जो है साथ किचन है,
तो आप सोचो कि किचन और बाथरूम एक साइड पे एक साथ ही हैं, तो आप क्या कर रहे हो यार। मैं बुडापेस्ट का, अगर कोई भी बंदा सुन रहा है, हंगरी का कोई भी बंदा हायर मैनेजमेंट का सुन रहा है, यार यहाँ पे कोई भी चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। इतने लोग पैसों के लिए भूखे हो गए हैं, लालच में आ गए हैं कि वो एक कमरे को डिवाइड करके गैलरी वाला सिस्टम बना के ऊपर अलग कमरा नीचे अलग कमरा, क्या चल रहा है यार। और ऊपर से मैं अपने देसी बंदू से खफा हूँ कि ये लोग जाते हैं जब घर देखते हैं तो बजाय उनकी बेइज्जती करने के, बजाय उनको जलील करने के, कि आप लोग हमें इतना नीच समझते हो कि हम ऐसे कमरे में फिट हो जाएंगे, ऐसे घर में फिट हो जाएंगे जहाँ पे कोई बंदा सांस नहीं ले सकता। आप वहाँ पे एक तो डबल प्राइस में आपने रेंट रखा हुआ है, और दूसरा जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई ह्यूमन क्रिएचर जो है यहाँ पे आके रहेगी, और वो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने ज़्यादा पैसे पे करेंगे, पैसे पे करने के बाद आप वो साल साल दो दो साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वह जो है आपके घर को यूटिलाइज करेंगे। और यार तुम लोगों की बुद्धि कहाँ गई है, तुम लोगों का दिमाग कहाँ गया। इंडिया पाकिस्तान में ऐसा हो तो लोग मारने मनाने भी आ जाएं, लोग फाड़ के रख दें, बट ये हंगरी है, यहाँ पे कोई बोलता नहीं, कोई घर का चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए घर की डिवीजन ऐसे कर दिया है कि एक ही घर में सात सात रूम है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज़ अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा ना, तो उन लोगों के बारे में सोचो यार जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो उनको मजबूरन ऐसे घर में रहना पड़ता है कि आप लोग जो है इतने सारे पैसे दे के शिटी घर में रह लेते हो, और जब कोई आम सा बंदा, गरीब सा बंदा घर देखने जाता है, उसको घर पसंद नहीं आता, मगर उसके पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, एंड वो मजबूरन उस घर में जो है रहना चाह रहा है। क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पीपल, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। अपने बारे में नहीं तो अपने उन सारे भाइयों बहनों के बारे में सोचो जो ये बुडापेस्ट में जो आजकल रेंटल प्राइसेस चल रहे हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ प्लीज़ जब भी कोई घर लो, घर को देखो, अगर घर अच्छा है तो घर को लो, अगर घर अच्छा नहीं है तो ऑनर को जलील भी करो और बोलो कि मैं कंप्लेन करूँगी, इस खुड्डे में तू मुझे घुसा रहा है, तय खाने में तू मुझे घुसा रहा है, और तू मुझसे एक्सपेक्ट करे कि मैं लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी करूँ, तुझे पैसे भी दूँ और इस तय खाने में रहूँ। प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपनी लाइफ का भी ख्याल रखो और अपनी सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखो। धन्यवाद। चलो राजा भाई, ये बताओ अब क्या बताना रह गया। यार बताने को तो बहुत कुछ है, जैसे वो सिद्धू ने पंजाबी में कहा था ना कि हले मुखिया नहीं, तो वैसे ही हमारे व्लॉग का भी यही सीन है। तो बाकी एक और चीज़ बताता चलूँ आपको कि हंगरी में डॉक्टर जो हेल्थ केयर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, टीचर्स और जो पुलिस में काम करते हैं, उनकी सैलरी सबसे कम होती है। अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारे मुल्कों में यही तीन प्रोफेशन ऐसे हैं कि आप इनसे अमीर बन सकते हो, आप कुछ ही सालों में अंबानी को जो है क्रॉस कर सकते हो। तो बाकी अभी चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो था पुलिस डिपार्टमेंट की सर्विसेज। पुलिस यहाँ पे जो हंगरी में है वो कैसे काम करती है, अगर आपका कोई लॉस हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो आपको बताता चलूं कि अगर आपको हंगेरियन नहीं आती तो पहली तो बात है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पुलिस पीपल ये जो है इंग्लिश यहाँ पे नहीं बोलते, वो हंगेरियन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको हंगेरियन आती है वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो इट्स योर लॉस। और दूसरा ये है कि यहाँ की जो पुलिस है वो इतने टैक्टिक्स या टेक्निक्स वगैरह पे नहीं जो है फोकस करती, वो 30-40 दिन तक जो है नॉर्मल सर्च करेगी, कोशिश करेगी कि जो आपकी चीज़ें गुम गई हैं उसको जो है रिकवर किया जा सके। अगर नहीं मिली तो एट द एंड ऑफ द डे आपको 30 से 40 जो है दिन के बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि सॉरी, हमने जो आपकी चीज़ें गुम हो गई थी या जो आपके साथ मिसहैप हुआ है उसको रिकवर नहीं कर सकते, हम जो है केस क्लोज कर रहे हैं। अभी मैं आपको अपने दोस्त की एक पर्सनल स्टोरी से बता देता हूँ। हम लोग जिम में गए थे, मेरे दोस्त का जिम के अंदर से अभी उसने लॉकर में अपना बैग डाला जिसमें गाड़ी की चाबी थी, पर्स था, पर्स में कुछ पैसे थे और भी सारे आईडी कार्ड थे, हंगरी का, इंडिया का, उसका बहुत सारी और भी चीज़ें थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह पे कैमरे लगे होते हैं, लेकिन जिम के अंदर से दो बंदे आए, उन्होंने जो है उसका बैग उठाया, उठा के चलते फिरे। आज ऑलमोस्ट लाइक 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं, हमने पुलिस कंप्लेन कराई, पुलिस ने कहा कि हम लोग मैटर को जो है आगे सर्च करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अभी हमारे पास वीडियो भी है, बट 40 या 50 दिन बाद उसको ईमेल आ गई कि आपका बैग जिन बंदों ने उठाया था उनका कोई अता पता नहीं है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये था पुलिस की सर्विसेज। और नंबर 4 पे जो कैटेगरी आती है टीचिंग, ऐसे लोग जो टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं,
अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले अभी जो प्रोफेशन है, टीचिंग इज वन ऑफ देम। अगर आप टीचर हो तो आपकी दसों की दसों उंगलियां घी में हैं। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो ओल्ड जनरेशन है, जो बूढ़े हैं, वो भी हंगेरियन जानते हैं, इंग्लिश उनको आती नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसी स्कूल में, ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आप टीचर्स जो है उनकी लिस्ट चेक कर लेना उनको। अगर आपको लगता है कि वो बूढ़े हैं तो मोस्ट ऑफ देम वो हंगेरियन में बात करेंगे, उनको इंग्लिश नहीं आती होगी। तो ये भी एक किस्म का बैरियर है। अगर आप इस बैरियर से ओके हैं, आपको मसला नहीं है, तो आप हंगरी जो है ईजिली आ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल गाइज, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको इस व्लॉग में कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिली होंगी, कुछ चीज़ें आपको जो है हमने बताई होंगी। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें अग्रेसिवनेस में बोली, फ्रस्ट्रेशन में बोली, लेकिन आपको मेरा फ़र्ज था बताना। जैसे मैंने इस टाइम पे जो फीलिंग्स फील की, मैं चाह रहा था कि मेरे वर्ड्स के थ्रू, मेरे मैसेज के थ्रू आप लोगों को कन्वे हो। अगर एक तरफ आपको हंगरी से जॉब ऑफर आती है, दूसरी तरफ किसी और यूरोपियन कंट्री से जो है जॉब ऑफर आती है, तो मैंने आपको हंगरी के जो फ्लॉज हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पे आने के, वो मैंने बता दिए। हमारा फर्ज था बींग अ पंजाबी, बींग अ न्यू यूट्यूबर, हमने कोशिश किया कि आपको बताया जाए। तो बाकी एक मैसेज मैं और बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, पाकिस्तानी और इंडियन काफ़ी सारे लोग फ्रांस से जो है डंकी लगा के बाय बोट किसी और यूके में शायद जा रहे थे। और सीन ये हुआ कि मेरे पास वो वीडियो भी पहुंची और एक बंदे ने मुझे बोला कि काइंडली आप जो है अपने व्लॉग के थ्रू, अपनी वीडियो के थ्रू ये मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। तो वो लोग डंकी लगा रहे थे और समंदर में जा रहे थे, तूफान आया, कश्ती जो है पलट गई और वो 27 के 27 बंदे शायद आज इस दुनिया में नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यार गाइस, डंकी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में आ भी जाते हो इलीगल तरीके से, तो पहली तो बात है आपको पेपर्स नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो वो 10-15 साल लेके चलो। दूसरी बात है कि अगर आप यूरोपियन कंट्री में डंकी लगा के आ जाते हो तो आपको हर एक चीज़ में जो है मुश्किल आएंगी। आप अपने होम कंट्री नहीं जा सकते। अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया की बात करूँ तो वही है, कितने सारे लोग जो है डंकी लगा के आ रहे हैं, ये गलत है। ये ऐसे ही है कि आप अपनी जान को अपने हाथ पे रख के जो है अपने होम कंट्री को गुड बाय कह के आ रहे हो, लेकिन एट सम पॉइंट यू डोंट नो कब कभी क्या हो सकता है। तो ये है कि जो लोग बाहर हंगरी या किसी और यूरोपियन कंट्री में रह रहे हो, शो ऑफ करना बंद करो, क्योंकि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की शोशेबाजियों की वजह से लोग जो हैं वो मजबूर हो रहे हैं डंकी लगाने पर। आप लोग उनको वीडियोज या पिक्चर्स में फेक मनी दिखा रहे हो या किसी के पैसे उठा के शो ऑफ कर रहे हो, ये गलत है यार। आप लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो अपनी जान जो है हाथ पे रख के डंकी लगा के अपने कंट्री से किसी और कंट्री में डंकी लगाएं। सो प्लीज़ इस चीज़ को भी बंद करो और जो है वो शो कराओ। जितने पैसे आप कमाते हो, जो आपके अंदर है, वो जो है आप प्रेजेंट करो। वो कहते हैं ना कि अहंकार और गरूर रब को भी पसंद नहीं होता। तो अगर आप इंसान हो, आप में अहंकार है, आप में गरूर है, तो मैं नहीं समझता कि आप किसी लेवल के भी इंसान हो। वो एक बंदा ने उसका डायलॉग भी है, तो मेरे लेवल दा नहीं शोरिया, यही मैं कहना चाहूँगा। तो बाकी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगी इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ताकि वो हंगरी के बारे में रियलिटी जान सकें। हमने हमेशा अच्छी बात की है, लेकिन ये कुछ फ्लॉज हमें 7 साल में देखने को मिले, हमने फेस किए और वो फ्लॉज आज हमने आप तक डिलीवर कर दिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू प्रतीक भाई, जिन्होंने हमारी जो है ये वीडियो रिकॉर्ड करने में हेल्प की। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, चाओ, पीस आउट।